प्यारे बच्चों, आपका क्लास नाइन्थ। आज हम मैथ के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 9.3 आपकी किताब पर ये है और क्वेश्चन नंबर 7। आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पर ए बी पर एक पॉइंट है डी और ए सी पर एक पॉइंट है ई। और इस तरह हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनते हैं, एक ट्रायंगल बी डी ई और दूसरी ट्रायंगल जो है वो है बी डी सी, और दोनों का एरिया आपस में बराबर है। हमें मालूम करना है क्या ये डी ई जो है ये इस बी सी के पैरेलल है। तो हमने क्या लिखा और क्या किया, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। यहां पर इस पर एक पॉइंट है, हमें ये दिया है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, यानी इस बी डी सी का जो एरिया है इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी। ई बी सी ने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया आपस में बराबर है। अब हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है डी ई ये पॉइंट ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, डी ई इस लाइन के पैरेलल है। आसान सा प्रूफ है हम इसको करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी, यानी इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, ये बराबर है, ये पहले ही दिया है, हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ई बी सी ये जो दो ट्रायंगल्स हैं जिनका एरिया बराबर है आर ऑन द सेम बेस बी सी, इनकी बेस एक ही है, यानी एक ही बेस पर खड़ा है ये ट्रायंगल जो है हमारे पास बी डी सी, इसकी बेस ये है, या बी ई सी इसकी बेस ये है। शाबाश, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया बराबर है, दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल जो है कौन सी ट्रायंगल, ये बी डी सी और बी ई सी दोनों यहां पर इस लाइन और इस लाइन के बीच में है, बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स यानी ये यहां से जितना यहां पर डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस यहां पर यहां से यहां तक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। क्योंकि हमारे पास एक लॉ है, ट्रायंगल्स बिटवीन द सेम बेस बिटवीन ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल एरिया, इसलिए हमें यही पता चलता है दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, हिंस बी सी पैरेलल बी डी, बी सी पैरेलल डी ई, इसलिए ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है। जब इन दोनों लाइनों का ट्रायंगल का एरिया बराबर है, ये एक ही बेस पर है। अब तीसरा शर्त इसमें लाजमी है, दे शुड बी बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इसलिए डी ई पैरेलल है बी सी के।